हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं टाटा सफारी 2.2 डाइकोर का इसका फ्यूज़ बॉक्स का रिव्यू करने वाला हूं। इसका फ्यूज़ बॉक्स के बारे में सब बताऊंगा कि कौन सा रिले किधर है, कौन सा फ्यूज़ किधर है, कौन सा मेन फ्यूज़ है, मेन रिले है और ये साइड रिले कौन से, इन सब के बारे में मैं डिटेल्स दूँगा। तो आप वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत से लोग मेरे को पूछ रहे थे उनके पास टाटा सफारी का फ्यूज़ का कवर नहीं है, ऐसा खुला है उनके पास, उनको समझ में नहीं आ रहा कौन सा फ्यूज़ किधर का है। तो ये मेरे वीडियो से उनको समझ में आएगा कि कौन सा फ्यूज़ किधर है और कितने एम्पेयर का है, तो ये सब मैं तुमको बता दूँगा। तो ये वीडियो देखेंगे, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये है इंजन कंपार्टमेंट। ये इंजन का अंदर का जो फ्यूज़ बॉक्स है वो उसमें का मैं बताने वाला हूँ। बाकी फ्यूज़ तो अंदर भी है डैशबोर्ड के अंदर, तो मैं इसमें से बताता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये है रिले बॉक्स, इसमें सिर्फ फ्यूज़ नहीं है, इसमें सिर्फ रिले ही है। तो ये इधर से स्टार्ट करता हूँ। ये सबसे पहला जो रिले आता है ये वाला, ये देखिए, ये है हमारा इग्निशन का रिले। ये इग्निशन का रिले है और ये इसके बाद स्टार्टर का रिले है और ये एक्सेसरीज रिले है और ये फ़ैन का रिले है, ये फ़ैन टू का रिले है। तो एक बार फिर से बताता हूँ, ये इग्निशन का, ये स्टार्टर का है, ये एक्सेसरीज का है, ये फ़ैन का वन का है, ये फ़ैन टू का है। ये हो गया हमारा रिले का भी, इसमें का बड़े रिले बड़े फ्यूज़ बॉक्स का देखेंगे। इसमें का जो है ये देखिए, बड़े रिले, ये मेन रिले, ये बड़े रिले, ये है फैन का रिले तीन, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक दो और ये तीन, तीन रिले आते सफर में फ्रेंड्स फैन के। फैन दो है लेकिन रिले तीन है, क्योंकि इसमें से तीनों में से हाई स्पीड लो स्पीड जो होता है ये तीनों रिले में से दिया हुआ होता है। और इसके बाजू में जो ये रिले है, ये देखिए रिले को ध्यान से देखिए, ये रिले है इसका मेन ईसीओ का रिले। इसको छूने का नहीं है, आपको ध्यान रखना है, इसको हटाने का भी नहीं, निकलने का भी नहीं कभी भी, इसको सही जगह पे रखना है, उसको अदली बदली भी नहीं कर सकते आप, याद रखिए। ये इसके बिना गाड़ी चालू नहीं आएगा, ये मेन रिले। और इसके बाद अभी आते हैं ये छोटे रिले पे, ये देखिए छोटे सात रिले है। इसमें से सबसे पहला ये है, ये वाला एसी क्लच का जो कंप्रेसर होता है उसका है, और उसके बाद ये कंडेंसर का है, एसी कंडेंसर का जो फ़ैन आता है उसका। और ये रिले है इसका फोग लैंप का, फ्रंट फोग लैंप का। और इसके बाद ये हेडलाइट लो बीम है, ये हाई बीम है, ये हेडलाइट के दोनों रिले, ये लो बीम, ये हाई बीम। और इसके बाद में ये हॉर्न का है और ये सायरन का, जो सेंटर लॉक के टाइम में बजता ना सायरन उसका है। तो ये छोटे रिले भी हो गए, ये बड़े हो गए। अभी हम बात करते हैं इसके बड़े फ्यूज़ मेन फ्यूज़ तो एक ही है, ये बड़े फ्यूज़ है। तो बड़े फ्यूज़ का भी बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये इग्निशन का फ्यूज़ है, 50 एम्पेयर इग्निशन का मेन है, ये भी इसके बिना इग्निशन नहीं आएगा। ये इग्निशन का है और ये इसके बाद इंजन कूलिंग वन, इंजन कूलिंग टू का फ्यूज़ है, ये वन और ये टू है। और इधर एम्प्टी है फ्रेंड्स, इधर भी एम्प्टी है। और ये वाला जो है इसका EMS और फोग लैंप दोनों का है फ्यूज़। और इसके बाद इधर एक मेन फ्यूज़ आता है, ये देखिए, ये बोलते हैं अल्टरनेटर का भी बोलते हैं, ये आता है 80 एम्पेयर का, ये मेन फ्यूज़ भी बोलते हैं और ये इग्निशन अल्टरनेटर का भी फ्यूज़ बोलते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके मिनी फ्यूज़, ये छोटे फ्यूज़, ये देखिए ये छोटे फ्यूज़ है, इसके हम बात करते हैं। ये सबसे पहला लाल वाला जो 10 एम्पेयर का है, ये इग्निशन का है, इग्निशन जो हम स्विच ऑन करते हैं उसका है 10 एम्पेयर। और ये पाँच का है, ये EMS का है मतलब ECO का। और इसके बाद आता है ये 10 एम्पेयर होना चाहिए लेकिन इन्होंने 20 डाला है। तो ये है हमारा पार्किंग वन, पार्किंग टू मतलब राइट का और ये लेफ्ट का। और इसके बाद ये 30 एम्पेयर का जो है ये कंडेंसर फैन का है। और इसके बाद ये जो 20 एम्पेयर के इधर भी 20 सही है, तो ये हेडलाइट का है, हेडलाइट का ये राइट साइड लो बीम, हाई बीम का, ये लो बीम का है। तो ये हेडलाइट का दोनों फ्यूज़ है। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको ध्यान से, ये देखिए ये इग्निशन का है 10 एम्पेयर का, छोटा फ्यूज़, मिनी फ्यूज़ बोलते हैं इसको। और ये है हमारा ECO का
फ्यूज़ 5 एम्पेयर का, और ये हमारा है पार्किंग का 20 एम्पेयर डाला, लेकिन 10 भी चलता है, 10 ही डालते हैं एक्चुअली उसमें। और ये भी पार्किंग का, एक लेफ्ट का एक राइट का होता है, तो दोनों ये पार्किंग के है। ये हमारा कंडेंसर फैन का है, 30 एम्पेयर सही है ये। और ये आगे का जो दो फ्यूज़ है 20 एम्पेयर के, ये है हमारे हेडलाइट का हाई बीम का, ये लो बीम का। ये हो गया हमारे इसके मिनी फ्यूज़। और बाजू में यहाँ पे दो दिया है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा 5 एम्पेयर का मिनी फ्यूज़ है रियर फॉग लैम्प का, और ये फ्रंट फॉग लैम्प का ये 15 एम्पेयर का। इसके बाद सब हो गया ये, तो ये पूरा डिटेल्स फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है, ये रिले का भी बता दिया, ये भी बता दिया है। अगर इसके बाद भी आपको इसका फ़ोटोज़ मैं अपलोड करूँगा कम्युनिटी टैब में, मंगते तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर इसका डायग्राम मैं डालूँगा, तो वह डायग्राम भी देख सकते हैं, और इसका डिटेल्स भी आपको मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा कि मेरे पास यहाँ पे है, मैं इसका दिखा दूँगा। आप स्टॉप करके, आप पुश करके देख सकते हैं इसका डायग्राम, ये देखिए, ये फ्यूज़ का है, इसको तुम पुश करके देख सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं मंगते तो। और ये रिले का है, जो साइड में ये रिले है, इसका डायग्राम है, इसको भी तुम देख सकते हैं फ्रेंड्स, वीडियो रुका के, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर भी इसका फ़ोटो मैं कम्युनिटी टैब में डालूँगा, तो कम्युनिटी टैब में जाके तुम देखो वहाँ पे, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। और कोई नया वीडियो बनाना है आपके लिए तो वहाँ पर मेरे को कमेंट करो, मैं वो उस टाइप की वीडियो आपके लिए सॉल्यूशन के साथ बताता रहूँगा। फ्रेंड्स आइए, अभी मैं आपको अंदर का फ्यूज़ को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इधर बंद रहता है, ये डैशबोर्ड है, स्टेयरिंग के नीचे बोर्ड के बाजू में, तो मैं इसका बता देता हूँ आपको फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा 15 का है इंडिकेटर का, और ये हमारा रिवर्स का, ब्रेक का, और ये हमारा हॉर्न का है, 10 एम्पेयर का डालना चाहिए तो उन्होंने 20 का डाला है, 25 का डाला है, यहाँ पे एम्प्टी है, और यहाँ पे 5 के 2 है फ्रेंड्स, ये हमारे एक इंस्टर क्लस्टर का 5 के बराबर है, और ये 10 एम्पेयर का डालना चाहिए था रूप एसी का, और लास्ट में जो वाइपर वॉशर है उसका है, और ये दूसरे लाइन में 10 एम्पेयर का फ्रेंड्स, ये पावर पॉइंट बोलते हैं, मतलब ये मेन लाइन है, ये पावर पॉइंट बोलते इसको, मेन लाइन एक्चुअली, क्योंकि इसके बिना भी आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं आएगा, तो स्टार्टर नहीं बैठेगा। और ये दूसरे, ये 20 एम्पेयर का HRV करके आता है अंदर, और ये 10 एम्पेयर का फ्रेंड्स रेडियो का है, रेडियो और आपका घड़ी जो रहती क्लॉक, वो दोनों का इसमें है। और ये एंटर लाइट है फ्रेंड्स, जो डोर लाइट में, डोर खोलने के बाद लाइट लगती है डोर के नीचे, उसका इंटर लाइट बोलते हैं इसको, ये 15 एम्पेयर का है। और इसके बाद फ्रेंड्स ये कॉमी स्विच का है, कॉमी स्विच का, हजल्ट का, ये दोनों एक साथ, क्योंकि हजल्ट और बंद हो जाएगा ये फ्यूज जाने से। और इसके बाद ये जो 20 एम्पेयर का है, ये है हमारा इमोबिलाइजर का, मतलब सेंटर लॉक का है ये। और इसके बाद लास्ट का फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा फ्यूज़ है 20 एम्पेयर का, ट्रांसकेस बोल के रहता है। और इसके बाद फ्रेंड्स ये आता है हमारा 5 एम्पेयर का स्टार्टर का रिले का, ये अगर गया तो स्टार्टर का रिले नहीं चलेगा हमारा। और दूसरे उसके बाद आता है ये इग्निशन और इमोबिलाइजर, इग्निशन और इमोबिलाइजर दोनों इसमें मिक्स है ये फ्यूज़ में। उसके बाद ये आता है सायरन का, इसमें सायरन भी है, और प्लस इसके बाद अपना डीजल का कैप खोलते हैं ना, डीजल भरने के लिए फ्लैप, वो भी इसमें है, तो ये दोनों का मिलकर 10 एम्पेयर का है। और इसके बाद डायग्नोस्टिक का, ये जो लैपटॉप का किट लगाते हैं हम लोग को, उसका सॉकेट का फ्यूज़ भी दिया है फ्रेंड्स, तो उसका ये 15 एम्पेयर का है। और ये 5 एम्पेयर का जो दिया है, हम स्विच ऑन, स्विच जब चाबी लगाते हैं अंदर, जब चाबी अंदर घुसाते हैं ना, जो टेप ऑन होता है या फिर की इन होता है, उसका 5 एम्पेयर का है फ्रेंड्स। ये हमारा इंस्टार क्लस्टर का है, ये 30 एम्पेयर का, देखिए फ्लैश चमक रहा है वो, ये 30 एम्पेयर का एसी का फ्यूज़ है मेन, फ्रंट एसी का। और ये फ्रेंड्स ये चारों 25 एम्पेयर का है, देखिए ये सब, देखिए ये 25 है, तो ये चारों क्यों दिए एक साथ 25 के, क्योंकि ये पावर विंडो को है, चारों डोर के 4 पावर विंडो है, राइट लेफ्ट लेफ्ट पीछे के 2। और इसके बाद फ्रेंड्स ये 5 एम्पेयर का जो है एक्सेसरीज़ वाला है,
और नीचे 10 एम्पेयर का, ये हमारा 10 एम्पेयर का है चार्जर का, और इसके बाद ये लास्ट में आता है ये रेडियो का। और इसका फ़ोटो भी यहाँ पे मैं आपको, ये हमारा इसका डायग्राम का फ़ोटो मैं आपको करके दिखाता हूँ, तुम पुश करके देखो फ्रेंड्स वीडियो को अगर देखने करे तो। इसका फ़ोटो भी मैं आपको कम्युनिटी टैब में डालता हूँ। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट में कमेंट करना, अच्छा लगा तो, यूज़फुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू, और सपोर्ट करने के लिए भी थैंक यू। आपको नया वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताओ आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो मैं सॉल्यूशन के साथ वो वीडियो आपको लाता रहूँगा। हो सके तो सब कमेंट का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, सी यू।